चूहा और हाथी। हिंदी कहानी। एक बार जंगल के सारे हाथी इकट्ठा होकर खाने की तलाश में एक दूसरे जगह के लिए निकल पड़े। जब हाथी जा रहे तो बहुत सारे चूहे उनके पैरों के नीचे दब के मर गए। इसके बाद चूहों ने फैसला किया वह हाथियों के सरदार से मिलेंगे और उन्हें इस बारे में बताएंगे ताकि कोई हल निकल सके। चूहों का सरदार जा रहे हाथियों के सामने आकर खड़ा हो गया, जहां उसने हाथियों से निवेदन करके कहा कि आपके पैरों के नीचे आकर हमारे चूहे साथियों की मौत हो गई है। अगर आप अपना रास्ता बदल दे तो बड़ी मेहरबानी होगी। यह सुनकर हाथियों ने अफसोस जताया और कहा कि हम माफी मांगते हैं, अब से हम आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। एक दिन रोज की तरह हाथी तालाब में नहाने के लिए जा रहे थे, उन्हें अचानक से शिकारियों ने जाल में फंसा लिया। उनकी मदद की आवाज पूरे जंगल में गूंजने लगी। चूहों को पता चल गया कि हाथी खतरे में है और फिर सारे चूहे उसी दिशा में भागे जहां से हाथियों की आवाज आ रही थी। चूहे हाथी की परेशानी समझ गए और उन्होंने अपने तेज दांतों से जाल को काट दिया। हाथी ने सूंड उठाकर चूहों को धन्यवाद कहा। चूहे भी हाथियों के पीठ पर बैठकर मजे से खेलने लगे।